तो अभी चल के बनाते हैं वो सबसे पहले तो इतना ही बस गर्म पानी में डाल के आई I मीन mean खाली मग में डाल के ये तो एक तो निकलता नहीं है और फिर यहाँ से थोड़ा सा गर्म पानी थोड़ा सा ये वाला पानी तो ये रहा लेमन वाटर इससे क्या होता है कि बॉडी फेट भी बर्न होता है और इम्यून सिस्टम अच्छा होता है सुबह आपकी अच्छे से गुजरेगी जिसको वॉमिट वॉमिट फीलिंग आती है वो भी नहीं आएगी जो सुबह सुबह नींद से उठ के दिल कच्चा कच्चा होता है अभी ना सब परेशान मत हो जाना मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज के आखे हुआ क्या है ये देखो यार क्या हुआ है मेरा पांव है ना कल असल में मैं जा रही थी ना सुबह काम पे तो उस टाइम क्या हुआ था कि ना मुझे यहाँ से बस लेनी पड़ती है फिर ट्रेन लेनी पड़ती है फिर एक बस मतलब बहुत सारा सफर करके जाना पड़ता है तो क्या हुआ कि मेरे घर के एरिया से जब मैं बस लेके गई तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी में होते हैं ना सब तो कभी कभी क्या होता है लेट हो जाता है तो भाग भाग के जाना पड़ता है क्योंकि ट्रांसफ़र लेना पड़ता है ट्रेन में या बसेस चेंज करने पड़ते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने क्या किया, किया कि जैसे ही मैं बस से उतरी ना क्योंकि बस से उतर के ट्रेन पकड़नी होती है भाग भाग के तो जैसे ही मैं बस से उतरी यार मेरा पाँव जो है ना वो पूरा मतलब टेढ़ा हो गया नॉर्मली जैसे पाव होता है ना इसे बस फुट स्टेप ना गलत तरीके से रख दिया फ्लोर पे तो इसलिए ना बस ये एक तकलीफ वाला हिस्सा था इस वीडियो का तो अभी आगे की वीडियो में क्या करती हूँ वो मैं देखती हूँ फिलहाल तो मैं बेड पे ही बैठी हुई यूँ सोच रही हूँ कि फ्री के कुछ काम है तो डिज़ाइन से रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइन से तो मैं वो ही बैठ के फ़िलहाल कंप्यूटर पे करती हूँ और फिर मैं शायद नेटफ्लिक्स पे बैठ के ड्रामिज वग़ैरह देख लूँगी या अभी ना इमोन आया था वो ये सामान देखे गया पता नहीं क्या लेके आया यार ये स्ट्रॉबेरीज का पैकेट और उसके अलावा ये है लंच बॉक्स क्या है इसके अंदर पता नहीं कैसे खुलेगा इधर से खुलेगा साइड से क्या है ये देखें ओह वाह ये क्या है इसको ना गरम करते हैं। माशाल्लाह से ये खाना गरम किया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मतलब कैसे बनाया है टेस्ट करते हैं कैसा है। mm. बहुत मजे का यार सच में कैसे बना इतनी खुशबू आ रही है इतनी अच्छी पाकिस्तान में जैसे शादी का खाना मिलता है ना शादी में अंदर एक सालन होता है चिकन का रोस्ट टाइप कुछ पता नहीं क्या लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तानी खाने जैसा टेस्ट दे रहा है मतलब शादी का खाना सच में तो अभी ना मैं यहाँ पे बेड पे ही अपने बैठी हूँ ये वाक लेके और ये काम लेके कर फ्रीलेंसिंग का काम कर रही हूँ कंप्यूटर में बैठ बैठ के घर पे क्योंकि कुछ और तो कर नहीं सकते तो फिलहाल चलो ये जॉब करते हैं घर वाली तो अभी ना काम करते करते मुझे इतनी भूख लगी है दिन को मैंने खाना खाया था लेकिन अभी शाम हो गई है समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं और फिलहाल थोड़ा सा काम करके फिर जाती हूँ किचन में और ये नीचे लूसी भी बैठा है हम दोनों साथ में बैठे हैं है? हम दोनों लूसी भी मुझे ना आइडियाज देता रहता है कि ऐसे बनाओ डिज़ाइन ऐसे करो फिर फिर हम दोनों टीम में काम करते हैं तो अभी बस जल्दी से काम वाइंड अप करती हूँ फिर हम टीवी देखेंगे और हम कुछ खाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए बनाना जो कि मेरे घर पे ऑलरेडी थे और ये स्ट्रॉबेरीज जो कि इमोन देखे गया तो इसलिए मुझे आइडिया आया कि कुछ बनाती हूँ और फिर स्ट्रॉबेरीज का कलर यार बहुत ही खूबसूरत था और बहुत दिनों के बाद खा रही थी मैं स्ट्रॉबेरीज क्योंकि मैं फ्रूट्स अच्छे से नहीं खाती हूँ लेकिन स्ट्रॉबेरीज मुझे बहुत पसंद है तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको वॉश कर लेते हैं और फिर इसको ना ड्राई करना है इसे टिश्यू पेपर से ताकि सारा पानी जो है वो इसका ड्राई हो जाए ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ ये वाली रेसिपी तो पता नहीं कैसे बनेगी लस्सी तो और इसके अभी जो ग्रीन पर, पत्ते हैं वो सारे उतार दिए और उसके बाद ये एक बनाना और अभी इसको क्या करना है हमें कटिंग करनी है बनाना को और आगे साइड वाले जो पार्ट्स है वो यूज़ नहीं करेंगे तो वो मैंने खा लिए और बाकी वाले ना मैंने वन वन सेंटीमीटर जितने काट दिए और स्ट्रॉबेरी को भी हाफ काट दिया और स्टिक इस, इस में ना सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई फिर हाफ ये बनाना का एक पीस लगाया हाफ बनाना नहीं ओके okay, और इसके बाद जो है स्ट्रॉबेरी का नीचे वाला पार्ट वो लगाया और इतना खूबसूरत लग रहा था इतना क्यूट प्यारा सा लग रहा था बर देखते हैं अल्लाह करे अच्छे से बन जाए जो मैं चाह रही हूँ वो हो जाए नहीं तो फिर क्या होगा पता नहीं लेकिन अभी जो स्ट्रॉबेरीज है ना वो बच्चे बहुत सारे थे तो मैंने ऐसे बस डेकोरेट करके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा कर लिया और उसके बाद हमें चाहिए पेपर कप चीनी एक पेपर कप और ये दूसरा दो पेपर कप चाहिए दो कप चीनी और मैंने अभी ब्राउन शुगर यूज़ की है क्योंकि वाइट शुगर नहीं है मेरे पास और एक कप पानी सेम वही वाला कप पानी अभी इसको क्या करना है अच्छे से गर्म करना है जब तक वो गर्म हो मैं ना इधर स्ट्रॉबेरी का फेस बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मैन तो इस कैंडी मैन को मैंने बना लिया और क्यूट ही लग रहा था और अभी ना ये वाला जो है वो वॉक भी करता है बहुत ही प्यारे लग रहे थे क्यूट लग रहे थे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बनाने के लिए ये वाली डिश और ये जब ऐसे चीनी गाढ़ा गाढ़ा हो गई थोड़ी थिक सी हो गई अभी भी नहीं हुई है वेट कर रही हूँ अच्छे से मतलब ये थिक हो जाए ना आज बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी नहीं तो चीनी जल जाएगी तो अभी ये अच्छी खासी थिक लग रही है मुझे तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट टेस्ट जो है इस बनानस के ऊपर किया और वो मुझे ठीक लग रहा था तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी इस के ऊपर डाला और ये देखो अभी चीनी थिक ही है पानी वाली चीनी होती तो ईजिली इसे गिर जाती लेकिन वो आराम आराम से नीचे जा रही है ना तो वो मतलब थिक है अच्छे से तो इससे स्ट्रॉबेरी इस कैंडी अच्छे से बन सकती है तो अभी मैंने इसको गरम गर्म ही संभल के नहीं तो हाथ भी जल सकता है क्योंकि बहुत गर्म था ना ये चीनी तो ऐसे लगा दिया और फिर इसको ना बटर पेपर जो होता है ना जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं उसके ऊपर इसे रख दिया तो अभी ये वेट करते हैं हाँ ये क्योंकि पानी जो गर्म गर्म था ना इसे बह ही जा रहा था बह ही जा रहा था तो अच्छे से मतलब जो बहना स्टॉप हो जाए तो फिर बटर पेपर के ऊपर रख दें और फिर मैंने और भी स्ट्रॉबेरीज थे मेरे पास तो इसलिए मैंने फिर इसे टूथ पिक के ना उसमें डाल दिए ये स्ट्रॉबेरीज और उसको भी लगा दिया एक एक करके और बहुत ही क्यूट सी डिश तैयार होने वाली है आज लेट्स सी कैसी होगी वाचिंग बिग बॉस तो अभी ये है फाइनल लुक इसकी आंखें मुँह सब गुम हो गए और ये ना थोड़ा सा मसला हो गया है इधर वो ये कि तो यहाँ पे मसला सबसे बड़ा ये हुआ कि ब्राउन शुगर नहीं यूज़ करनी थी लेकिन मैं ब्राउन शुगर ही खाती हूँ वाइट शुगर नहीं खाती तो इसी वजह से ब्राउन शुगर जो है ना वो वो हार्ड ही नहीं हो रही है मतलब मैंने इतना थिक करके लगाया उसके बावजूद भी हार्ड ही नहीं हो रही और ये वाली जो रेसिपी है वो वाइट शुगर से बनाते हैं तो इनशाला नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूंगी वाइट शुगर वाला पार्ट लेकिन अभी ब्राउन शुगर फिलहाल ऐसे नॉर्मली व्हाइट शुगर लगाने से ना ऐसे होता है शाइनिंग शाइनिंग और हार्ड होता है लेकिन मैंने जब इसे प्रेस किया तो ये थोड़ा सॉफ्ट ही है तो वो पूरा कैंडी बन जाता है बाहर से कैंडी और अंदर से स्ट्रॉबेरी एनी हम इसको ट्राई करते हैं पूरा ही सॉफ्ट है थोड़ा थोड़ा हार्ड हुआ है लेकिन बहुत टेस्टी है और दूसरा ये ऐसे ही होता है शाइनिंग शाइनिंग लेकिन हार्ड होता है हम्म अच्छा है लेकिन बस अफसोस इस बात इस इस का रहा कि ब्राउन शुगर क्यों नहीं थी व्हाइट शुगर क्यों नहीं थी वाइट 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 ब्राउन नहीं बस यही थी मेरी आज की वीडियो अभी मैं बहुत थक गई हूँ ऐसी हालत में भी मैं थोड़ा का आई थी जाके फिर रेस्ट कर कर के काम कर रही थी लेकिन मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और इन हम अगली वीडियो में मिलते हैं अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये रेसिपी वाइट शुगर से ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा खुदा हाफिज़ बाय बाय